हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज आपका यूट्यूब इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी राह चुने, कोई भी रास्ता चुने, उसमें सोच समझ के विचार करके अपना फैसला करे, अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़े। अगर व्यक्ति थोड़ी सी भी लापरवाही जीवन में करता है तो हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा आगे बहुत भारी पड़ जाए, कोई ऐसी चीज़ कि वो बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पहले हालात इतने सुधर रहे थे कि धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर आने लगा था। स्कूल भी खुलने शुरू हो गए थे, पहले 11वीं और फिर 9वीं की कक्षाएं भी स्कूल खुले थे। इससे उम्मीद बंधी कि जल्द ही सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। इससे बच्चों को काफ़ी लाभ मिलता, लेकिन इधर हालात इतने बिगड़ गए कि कोरोना संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि स्कूल खोलने पर फिर से संकट में बादल छाने लगे हैं। लोगों की लापरवाही बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ गई है। काश अब भी लोग कोरोना महामारी के प्रति सजग हो जाएं तो शायद फिर से स्कूल खुलें, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए ये निहात जरूरी है। देश में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण से दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। वे जहां कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार तेज से इजाफा हो रहा है, कई जगह तो लॉकडाउन में वापसी भी हो गई है। या इस महामारी से छुटकारा मिलेगा तभी हम इसका जवाब किसी और के पास नहीं है। ये आलम तब है जब इससे बचाव का टीका भी हम खोज चुके हैं। जाहिर है कि कोरोना से जंग अभी लंबी चलेगी, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। ये बहुत चौकन्ना रहने का समय है। वास्तव में सरकार के साथ न केवल आम लोगों के साथ सतर्क रहने की ज़रूरत है, बल्कि स्वास्थ्य तंत्र एवं दुरुस्त करना होगा। ये समय है कि सभी राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करें और निजी क्षेत्र के लिए तालमेल बैठाकर काम करें। इससे सेहत के मोर्चे पर आने वाली गंभीर चुनौतियों का हम सही तरह से सामना कर सकेंगे। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा YouTube चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।